बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट जी, आज हमारी 14th लेक्चर है क्लास 6 मैथ्स का। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, पेज नंबर 23 निकालें और एक्सरसाइज नंबर 2.3। जी, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने 8 तक करवाए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ला, ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ला भी कह सकते हैं, लेकिन एडिशन में क्योंकि हमने प्लस कर में करवाए थे, इसे इनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एडिशन में करवा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग, क्लियर है। और जिस बच्ची ने इनकी जिस स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है, आपने होमवर्क करना है और सेंड करना है, सही है। और जिस बच्चों ने किया है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया है, सही है। तो अब हमारे पास क्या है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ए नंबर है हमारे पास, तो ए नंबर की 2, 3 and 4 सोल्यूशन है। आपने सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ को लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और हॉल का ख्याल करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ इनकी जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास ए बी सी है, क्लियर है। आपने ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 4 है। अब हमने फुटिंग करनी है किस में, इस फार्मूले में। तो सिंपल आपने इस फार्मूले को लिखना और ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4, इस तरीके से की जगह पर 2 और इस तरीके से बी की जगह पर 3 और प्लस 4, क्लियर है। तो अब इन दोनों को पहले करके, क्योंकि बोर्ड मास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले करते हैं, तो ये 5 प्लस 4 और ये 2 और ये 7, जब 5 प्लस 4 करें तो 9 और 2 प्लस 7 करें तो 9, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि वेरीफाई का मतलब कि आपने प्रूव करना है कि किस तरीके से ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का निशान है। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है।